नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे सितारे हैं जिनका नाम अगर आप लेते हैं तो आपके उनके गाने जो है जहन में घूमने लगते हैं और अब उनके जो गाने होते हैं वो आप गुनगुनाने लगते हैं। चाहे हम भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की बात कर लें या फिर पावर स्टार पवन सिंह की बात कर लें, निरहुआ की या फिर समर सिंह की बात कर लें, रितेश पांडे की बात कर लें या फिर अबीर अकेला उर्फ कल्लू का, ऐसे तमाम सिंगर्स हैं जिनके गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाते रहते हैं और उनके गाने जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। अगर हम बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चेहरा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और वो चेहरा कोई एक नहीं है बल्कि दो लोगों का चेहरा मिलकर एक चेहरा बना हुआ है जो कि एक नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, वो नाम है अंकुश राजा का। काफी कम उम्र में इतने बड़ी ऊंचाई पाने वाले अंकुश राजा के भी गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम गाने ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा तहलका मचाए हैं। उनके गाने की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने जो पहला गाना गाया था उस गाने से वो काफी ज्यादा चर्चा में आया था और वो गाना का नाम लूंगा तो आप सभी दर्शकों के जहन में वो गाना गूंजने लगेगा। जी हाँ, बात करें अंकुश राजा की जोड़ी की तो अंकुश राजा की जोड़ी की जो पहचान थी वो हमारा घर में हरदिया नहीं खे दरदिया देलाए रजऊ, इस गाने से काफ़ी ज़्यादा जो है अंकुश राजा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे और उसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ गए थे, जिसको लेकर लगातार उसके बाद एल्बम करने लगे और एल्बम के बाद उनके तमाम गाने जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। बात करें तो जिस तरीके से अंकुश राजा का एक गाना और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और उस गाने का नाम था लाखों हैं दीवाने तेरे, लाखों हैं दीवाने, ये भी उनका जो है गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। बात करें तो फिलहाल में अंकुश राजा के बड़े भाई का यानी कि नितेश का शादी था और उस शादी समारोह में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला था, लेकिन सबसे खूबसूरत की बात उनके तिलक के समारोह को लेकर रही। तिलक समारोह में जिस तरीके से भोजपुरी के कई सारे दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री और भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टार शामिल हुए थे, जिसमें राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, नीलकमल सिंह की बात कर ले या फिर तमाम ऐसे सिंगर्स थे जो कि उनके भाई के तिलक में पहुंचे हुए थे और वहां से भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अंकुश राजा में जो जोड़ी है उनमें अंकुश जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। वजह ये हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता और जिस तरीके से अपने भाई की शादी को लेकर व्यस्तता थी उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई है और अंकुश जो है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो आप हमारे इस थंबनेल में देखे होंगे और वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और उस तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि अंकुश राजा की जोड़ी में से जो अंकुश हैं उनकी तबीयत जल्द सुधार हो जाए, सेहत में सुधार हो जाए और फिर से वो पुराने अंदाज में मंच पर नजर आए। और आप भी इस तस्वीरों को देखते हैं तो आप जरूर दुआ करें कि अंकुश जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएं और भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग अलग मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं। बाकी अपनी जो है मनोकामनाएं शुभकामनाएं दे सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक होकर कहीं ना कहीं उभरे और फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने नए तमाम गानों को लेकर नए मंच को लेकर कहीं ना कहीं सामने आए और वो अपने गाने से आप सभी को गुदगुदाए। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाइए पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।